साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। एक कहावत है, कांख में छोरा गांव में ढिंढोरा। इसका मतलब होता है कि बच्चा गोद में है और पूरे गांव में तलाशा जा रहा है, ढिंढोरा पीटा जा रहा है। और ऐसा ही कुछ आकांक्षा दुबे के मामले में भी नजर आ रहा है, जहां पुलिस बड़े बड़े बयान दे रही है, बड़े बड़े दावे कर रही है। कभी समर सिंह के पूर्वांचल से बाहर जाने की बातें कह रही है, तो कभी नेपाल, तिब्बत और चाइना तक जाने की बातें सामने आ रही है। मगर हैरानी की बात ये है कि पुलिस चाइना के नाम पर सिर्फ चूना लगा रही है, जबकि समर सिंह कहीं भागा ही नहीं है, बल्कि वो सारनाथ से महज 9 किलोमीटर दूर एक रिजोर्ट में आराम फरमा रहा है। जी हाँ, जिस समर सिंह को लेकर यूपी में अलग अलग पुलिस की टीमें दबिश दे रही है, वो कहीं भागा ही नहीं है, वो तो आलीशान रिजोर्ट में आराम फरमा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मीडिया वाले समर सिंह तक पहुँच चुके हैं, मगर पुलिस अब तक नहीं पहुँची है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्या पुलिस जानबूझकर समर सिंह को अरेस्ट नहीं कर रही? समर सिंह की फरारी के नाम पर पुलिस प्लानिंग के तहत मामले को लंबा खींच रही है। तो आपको समर सिंह के बारे में जो भी अपडेट हमें मिला है वो बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो कभी आजमगढ़ से लेकर गोरखपुर तक, तो कभी पटना से लेकर मुंबई तक, और कभी नेपाल से लेकर तिब्बत तक पुलिस दबिश देने का दावा कर रही है। 26 मार्च से लेकर अब तक पुलिस के हाथ खाली है, ना समर सिंह पकड़ में आ रहा है और ना ही उसके सहयोगी। सब फरार है, गायब है, देश में है या विदेश भाग गए कोई नहीं जानता। मगर वाराणसी से जो खबरें आ रही है वो हर किसी को हैरानी में डाल सकती है, और समर सिंह को सपोर्ट कर रहे लोगों के लिए तो ये खबर सुनकर पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। दरअसल वाराणसी में एक मशहूर न्यूज़पेपर ने दावा किया है कि समर सिंह कहीं नहीं भागा है, वो सारनाथ से महज 9.5 किलोमीटर दूर एक रिजोर्ट में मस्ती कर रहा है, आराम फरमा रहा है। जी हाँ, ये बेहद सनसनीखेज खुलासा किया गया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि समर सिंह को वाराणसी के एक रिजोर्ट में देखा गया है। और अखबार का दावा है कि रिजोर्ट का एक कर्मचारी पत्रकार को अपने साथ रिजोर्ट के अंदर तक लेकर गया। इस दौरान होटल के एम्प्लॉय ने पत्रकार का फोन स्विच ऑफ करवा दिया ताकि वो किसी तरह की फोटो ना खींच सके, वीडियो ना बना सके। दावा है कि रिजोर्ट के अंदर ही बने स्विमिंग पूल के पास जब पत्रकार पहुंचे तो वो दंग रह गए, क्योंकि वहां पर समर सिंह था। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूज़पेपर के पत्रकार को यकीन ही नहीं हुआ कि समर सिंह रिजोर्ट में मस्ती काट रहा है और रिजोर्ट के बाहर समर सिंह को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है। अब इसके बाद पत्रकार ने कंफर्म करने के लिए रूम नंबर के हिसाब से चेक करवाया तो रूम किसी और के नाम से बुक था और वहाँ पर रह समर सिंह रहा है। अब यहाँ पूरा खेल समझिए, अगर इस अखबार की रिपोर्ट पर जरा भी यकीन करें तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। पहले आकांक्षा को रास्ते से हटाया गया और फिर समर सिंह आराम से रह रहा है। इसका मतलब साफ है कि समर सिंह को कुछ ऐसे लोगों का सपोर्ट मिला है जिनकी पुलिस और प्रशासन में तगड़ी पकड़ है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो पुलिस समर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ वो आकांक्षा वाले होटल से महज 9 किलोमीटर दूर एक रिजोर्ट में छुपा हुआ है। ऐसा किसी की पहुँच के बिना संभव ही नहीं है। जबकि पुलिस की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि आकांक्षा दुबे की मौत वाले दिन से ही समर सिंह और उसका सहयोगी फरार है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक समर सिंह का फोन बंद होने से पहले उसकी आखिरी लोकेशन मुंबई और पटना में मिली। पुलिस की माने तो समर सिंह अपने घर वालों और करीबियों से भी संपर्क नहीं कर रहा, इस वजह से उसके परिवार वाले भी कुछ नहीं बता पा रहे। अब भले ही पुलिस कुछ भी कहे, मगर जो इस अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है वो वाकई में हैरानी भरा है। वहीं दूसरी तरफ आकांक्षा की मां मधु दुबे लगातार कह रही हैं कि समर सिंह से उसके परिवार को खतरा है। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने हाल ही में एक बयान में कहा है कि उसे बार बार ये लग रहा है कि जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई उन पर नजर रख रहा है। आकांक्षा की मां मधु दुबे ने साफ साफ कहा है कि उन्हें शक है कि समर सिंह उनको भी मरवाने की साजिश कर सकता है, ताकि आकांक्षा की इंसाफ की लड़ाई को कोई लड़ने वाला ही न बचे। अब आकांक्षा की मां और अखबार की रिपोर्ट को कनेक्ट करें तो लगता है कि समर सिंह आसपास ही है, वो कहीं आसपास ही छिपा हो और वहीं से आकांक्षा के परिवार की रैकी भी कर रहा है।
और अखबार की रिपोर्ट में भी यही लिखा है कि समर सिंह सारनाथ से महज 9 किलोमीटर दूर छिपा हुआ है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ बड़ी गड़बड़ है। क्या पुलिस वाकई में समर सिंह से मिली हुई है? जब एक अखबार का रिपोर्टर समर सिंह तक पहुंच सकता है तो पुलिस क्यों नहीं पहुंच सकती? पुलिस उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? क्या पुलिस जानबूझकर ये सब कर रही है? क्या आकांक्षा की माँ के आरोप सही है कि पुलिस समर सिंह से मिली हुई है? और कब तक आकांक्षा के गुनहगार यूं ही खुलेआम घूमते रहेंगे, ऐश करते रहेंगे? आखिर क्यों और कब तक? इन सभी सवालों का जवाब अब वहाँ की स्थानीय पुलिस को देना ही होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये झटका देने वाली खबर है कि समर सिंह रिजोर्ट में मौज काट रहा है, वो भी वाराणसी के रिजोर्ट में? आखिर समर सिंह को किसका सपोर्ट मिल रहा है? कौन समर सिंह को बचा रहा है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे ब्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो होटल वाले सीसीटीवी वीडियो के बाद आकांक्षा का पार्टी वाला वीडियो फुटेज भी सामने आ गया है। जी हाँ, आकांक्षा दुबे का पार्टी वाला वीडियो सामने आ चुका है, जिसमें आकांक्षा दुबे काफी खुश, मस्त और थिरकती हुई दिख रही हैं। आप भी देखिए किस तरह आकांक्षा खुश है, नाच रही है, बातें कर रही है। अब भला इतना खुश व्यक्ति खुद को क्यों मारेगा, ये सवाल अब हर किसी को परेशान कर रहा है। पहले देखिए आकांक्षा दुबे महमूरगंज स्थित एक क्लब के रिसेप्शन पर दिख रही है, जहां उनके साथ एक महिला भी है और 3-4 लोग और हैं जिनके साथ आकांक्षा बातें कर रही हैं। एकदम खुश दिख रही हैं, बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही हैं। रिसेप्शन के बाद आकांक्षा उन सभी लोगों के साथ जहां पार्टी चल रही थी वहां एंटर करती है और नाचते गाते दिख रही है। आकांक्षा ने वो ही ब्लैक क्रॉप टॉप और ब्लू जीन्स पहनी है जो कि होटल वाले सीसीटीवी में दिख रहा था। आकांक्षा के इंस्टा के लास्ट वीडियो में भी यही ड्रेस दिख रही थी। अब इस वीडियो में भले ही आकांक्षा पूरी तरह नजर न आ रही हो, मगर गौर से देखिए तब पता चलेगा कि ये वो ही आकांक्षा दुबे है। आकांक्षा दुबे पार्टी में है और बिल्कुल खुश है। अब इसके बाद एक फोटो और सामने आया है जो कि आकांक्षा के रूम नंबर 5 का है, जहां होटल के लोग और कुछ फिल्म यूनिट के लोग खड़े हैं जो कि आकांक्षा के रूम को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये फोटो पार्टी के अगली सुबह का है, जब आकांक्षा दरवाजा नहीं खोल रही थी क्योंकि आकांक्षा के साथ कमरे के अंदर अनहोनी हो चुकी थी। अब आप खुद देखिए एक लड़की जिसके पास सब कुछ है, पैसा है, परिवार है, प्रोजेक्ट है और वो पार्टी में जाकर बेहद खुश भी है, तो भला वो खुद को क्यों मारेगी? खुशी में तो लोग खुश होते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, खुद को मारते नहीं हैं। तो आकांक्षा खुद को क्यों मारेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तक आकांक्षा के 2 वीडियो सामने आ चुके हैं, एक होटल वाला और दूसरा ये पार्टी वाला। दोनों ही वीडियो में आकांक्षा बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, बल्कि पार्टी वाले वीडियो में नाचते गाते और खुश दिख रही है। अगर आकांक्षा के मन में खुद को खत्म करने की जरा भी बात होती तो क्या वो इस तरह खुश होती? क्या इतना नाचती? जो खुद को मारने की ठानेगा वो भला पार्टी करने जाएगा ही क्यों? और गया भी तो इतना खुश तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। कुल मिलाकर अब तक के वीडियो से ये साफ हो गया है कि आकांक्षा खुद को नहीं मार सकती, ऐसा संभव ही नहीं है। और कोई इतना खुश हो, पार्टी कर रहा हो, दोस्तों के साथ बातें कर रहा हो और कुछ घंटों बाद खुद को खत्म कर ले, ये समझ से परे है। आकांक्षा को कोई परेशानी होती तो समझा भी जाता, मगर आकांक्षा की जिंदगी में समर सिंह के अलावा कोई परेशानी थी ही नहीं, तो भला आकांक्षा खुद को क्यों मारेगी? और अगर आकांक्षा ने खुद को नहीं मारा तो फिर हुआ क्या? कैसे पार्टी के कुछ घंटों बाद आकांक्षा दुनिया से अलविदा कह गई? आखिर उन घंटों में क्या हुआ? आकांक्षा खुद को नहीं मार सकती ये बात पूरी दुनिया कह रही है, सरकमस्टेंसेस कह रहे हैं और अब तो ये दोनों सीसीटीवी फुटेज भी इस बात को साफ कर रहे हैं। तो फिर आकांक्षा के साथ क्या हुआ था? कहाँ है वो समर सिंह? उसको पकड़ने में पुलिस इतनी फेल क्यों हो रही है? क्योंकि समर सिंह ही वो व्यक्ति है जिससे सच उगलवाया जाना बेहद जरूरी है, वरना सुशांत सिंह राजपूत की तरह आकांक्षा दुबे का राज भी एक मिस्ट्री बन सकता है। तो होटल के बाद पार्टी का सीसीटीवी वीडियो देखकर आपका क्या कहना है? क्या हुआ होगा आकांक्षा के साथ? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।